हेलो पीपल, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक ओल्ड मैन था जिसकी उम्र थी 70 साल, एंड दैट पेशेंट को उसको हाइपोनेट्रीमिया हो गया था एंड देन वो क्वाड्रल पैरेलिसिस हो गया. तो अभी फ़िलहाल कंडीशन क्या रहेगी? देयर कैन बी ब्रेन इन्फार्क्ट, ब्रेन हेमरेज, देयर कैन बी क्रॉनिक माइलोनाइसिस या फिर कुछ और. सो द आंसर फॉर दिस इज़ कि 2 दिन से ज़्यादा अगर सोडियम कम है किसी पेशेंट में तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया. एंड क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया की एक कॉम्प्लिकेशन होती है, दैट इज़ माइलोनोलाइसिस. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एंड एल्डरली वूमेन प्रेजेंट विद क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ पेन इन स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स विद स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स इन अर्ली आवर्स ऑफ द डेज. हमें एक इमेज दी हुई है एंड दे आर आस्किंग अस कि क्या डायग्नोसिस होगा. ऑफकोर्स इट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि देर इज़ पेन इन द जॉइंट्स एंड यू कैन ऑल्सो नोटिस इन द इमेज देर इज़ फ्लेक्शन इन द PIP एंड एक्सटेंशन इन द DIP. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉटनार्स डिफॉर्मिटी विच इज सीन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रायड ऑफ स्किन लेजन्स एसिमेट्रिक मोनोन्यूट्राइटिस मल्टीप्लेक्स एंड ईओसिनोफीलिया इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? क्रायोग्लोबिनोनीमिया, वेस्कुलाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, नोडोसा, चर्क स्ट्रोस सिंड्रोम या फिर जॉइंट सेल आर्थराइटिस. ओके, देयर इज ट्रायड. स्किन लेजन्स हैं, एसिमेट्रिक मोनोन्यूट्राइटिस कॉम्प्लेक्स है और ईओसिनोफीलिया है. पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा करके देखते हैं. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर. द राइट आंसर हियर इज चर्क स्ट्रोस सिंड्रोम विच इज ऑल्सो नोन एज ईओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वेव इन GVP कॉरस्पॉन्ड्स टू. ए वेव कॉरस्पॉन्ड्स टू राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. ए वेव, आई थिंक राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. शेर पुत्र. अगला क्वेश्चन है, दिस इज द फॉर्म आई लव माई सेल्फ. विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट DIC? ओके, DIC is disseminated intravascular coagulopathy. So क्या wrong है? First is increased cystocytes, increased PT, increased fibrinogen and increased FDPs. Cystocytes ठीक है, FDP, fibrinogen, PT गलत लग रहा है मुझे. No, PT is right. Increased fibrinogen नहीं होता. DIC में there is decreased fibrinogen. क्यों? क्योंकि bleeding increase हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 16 year old girl who is taking anti-epileptics who had seizures free periods for of 6 months. She has no family history of epilepsy. Her EEG is now normal and she has now a normal neurological exam and intelligence. How would your advice be? Stop the treatment and follow up, gradual taper the drug and stop the treatment. Continue the treatment for next 18 months. Continue lifelong treatment with antileptics. Okay, so क्या कहानी होती है एंटीलेप्टिक्स में? हमें टेपर करना होता है एंटीलेप्टिक. पहले हमें 3 साल तक देना होता है और उसके बाद अगर वो ठीक हो गया है तो वी हैव टू लीव द ड्रग्स. वो ठीक हो गया एपिलेप्सी इज नथिंग जो लाइफ लॉन्ग चलती है. सेकेंड, अगर 3 साल के बाद फिर से एक दौरा आया, वी हैव टू गिव 5 years तक ड्रग, फिर हमें टेपर करना होता है. और अगर नहीं आए दौरे उसके बाद, वी हैव टू स्टॉप द ड्रग. लेकिन 5 years के बाद फिर से हमें अगर वहाँ पे उस पेशेंट को दौरे आ रहे हैं, देन फिर लाइफ लॉन्ग चलती है, ये सिस्टम रहता है. तो अभी इस पेशेंट में क्या कहानी है कि 6 महीने तक उसको सीजर्स नहीं आए हैं और इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है, दैट इज़ स्टॉप द ट्रीटमेंट एंड फॉलो. नो, एटलीस्ट अगले 3 साल तक उसको चाहिए. ग्रेजुअल टेपर द ड्रग एंड स्टॉप द ट्रीटमेंट. कॉन्टिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर द 18 months. कॉन्टिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर द लाइफ लॉन्ग. लाइफ लॉन्ग अभी नहीं, 18 months वाला बेस्ट ऑप्शन एंड दैट इज राइट. अगला क्वेश्चन है, एकिन एंड राइफल क्राइटेरिया आर यूज टू क्लासीफाई. अरे, एक्यूट किडनी इंजरी. वेरी नाइस. मैंने इतना रटा था ना. एक्चुअली आई लव मेडिसिन सब्जेक्ट एंड किडनी वाला टॉपिक वॉज द लास्ट विच आई हैव मतलब रिटन नोट्स लर्न एवरीथिंग. आई रिमेंबर दैट टाइम ऑफ माइन. एंड क्योंकि सबसे लास्ट में किया था, आई वॉज लाइक आई माइट बी वीक इन दैट, बट दैट वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट ऑफ माइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन सीन इन द सिवियर हीमोफीलिया इज. सिवियर हीमोफीलिया ऑप्शन दिए हुए हैं, रिकरेंट हीमेटोमास
रिकरेंट हीमाटोमास, रिकरेंट हीमोआर्थ्रोसिस, हिमेचूरिया या फिर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। वेरी नाइस, रिकरेंट हीमोआर्थ्रोसिस इज द राइट ऑप्शन। देख ही नहीं रहा होगा ना, लाइट पड़ रही होगी। नो वे, नो मैटर, कोई बात नहीं, छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंट विद लेफ्ट साइडेड फेशियल पैरालिसिस एंड लेफ्ट साइडेड लिम्ब वीकनेस फॉर पास्ट वन ईयर। लेफ्ट साइडेड फेशियल पैरालिसिस एंड लेफ्ट साइडेड लिम्ब वीकनेस फॉर पास्ट वन आवर। अच्छा, एक साइड बॉडी का हो गया, ब्लड प्रेशर 160/100 एंड हर सीटी अपीयर्स नॉर्मल। व्हाट इज द नेक्स्ट मैनेजमेंट? बीपी बढ़ा हुआ है उसका, ईसीटी नॉर्मल है, बस पैरालिसिस हुआ है, तो नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या रहेगा? इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस, क्योंकि सडन हुआ है ना ये, तो इस्कीमिक स्ट्रोक की तरफ इंडिकेट कर सकता है। सो इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस मीन्स एटी लेपेज 0.9 mg/kg शुड बी इमिडिएटली गिवन टू द पेशेंट। और जो इसमें लिखा हुआ था ना एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रेल, वो तो हमें प्रिवेंशन के लिए देनी होती है फर्स्ट स्ट्रोक। यहाँ पे तो आ गया ना, सो यहाँ पर वी हैव टू गिव अनदर ड्रग। अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया अकर्स इन टाइफाइड फीवर, क्यू फीवर, लेप्टोस्पोरोसिस, ऑल ऑफ दीज। आई थिंक ऑल ऑफ दीज। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर एल्कोहलिज्म? ALT, GGT, GALP या फिर LDH? एल्कोहल के लिए आई थिंक ALT। नो, द आंसर इज GGT इज द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर एल्कोहलिज्म अकर्स अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। GGT का मतलब होता है, एक्चुअली मैंने पहले कभी सुना ही नहीं इसका नाम, दिस इज गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन द कार्डिक टेम्पोनाड एंड टेंशन टेम्पोनाड? तो कार्डिक टेम्पोनाड और टेंशन न्यूमोथोरिक्स, सॉरी न्यूमोथोरिक्स में क्या डिफरेंस है? ब्रेथ साउंड, मफल हार्ट साउंड, इंक्रीज हार्ट रेट या फिर रेज GVP? कार्डिक टेम्पोनाड और टेंशन न्यूमोथोरिक्स में क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स? आई थिंक मफल हार्ट साउंड। नो, द आंसर इज ब्रेथ साउंड्स। ब्रेथ साउंड्स जो होते हैं वो टेंशन न्यूमोथोरिक्स में एबसेंट होते हैं लेकिन कार्डिक टेम्पोनाड में प्रेजेंट होते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंट विद क्रॉनिक डायरिया एंड सिट्रोरिया, दी जाइलोस टेस्ट वॉज नॉर्मल एंड द शिलिंग टेस्ट वॉज एबनॉर्मल, अ ड्यूओडेनल बायोप्सी वॉज नॉर्मल। कुछ तो नॉर्मल है बट पेशेंट को कंप्लेंट्स हैं। अच्छा, शिलिंग टेस्ट एबनॉर्मल है।